लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी युवा मोर्चा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रता गंगाले ने आज अपना जन्मदिन सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया। इस अवसर पर सीवुड्स में रक्तदान शिविर और फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने लाभ उठाया। देखे रिपोर्ट। धर्मवीर संभाजी राजे चॅरिटेबल ट्रस्ट आयोजित श्री दत्ता हंगाळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। मी प्रभागातील सर्व नागरिकांना जास्तीत जास्त रक्तदान करण्याचं आवाहन करेल। त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक व आमचे सहकारी यांचे देखील मी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन खूप चांगल्या प्रकारे केलं। पुन्हा एकदा मी घंगाळे साहेबांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। श्री दत्ताजी घंगाळे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नवी मुंबई, इनका जन्मदिन का जो कार्यक्रम है वो हम लोग रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है सेक्टर 46 सीवुड के शनि मंदिर के प्रांगण में। बहुत सुंदर तरीके से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अभी रक्तदान दिया है, जिससे कई लोगों के जीवन में जीवन बच सकता है। ये रक्तदान शिविर आज दत्ताजी घंगाळे जी के जन्मदिन पर हम हर वर्ष मनाते हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और चिरंजीवी रखे। कल भी यहाँ पे मेरे जन्मदिन के तौर पर जो गवर्नमेंट की विविध योजनाएं थी, ई श्रम कार्ड रहेगा, आरोग्य हेल्थ कार्ड रहेगा, आयुष्मान भारत कार्ड रहेगा, इसका विवरण यहाँ पे मुफ्त में हो रहा था। और जैसे कि हमने कल आह्वान किया था कि आज जो जिस जो 10 तारीख है, जो मेरा बर्थडे की डेट है, इस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हर साल हम करते हैं, तो आज भी वो रक्तदान यहाँ पे जो हमारे युवा है यहाँ पे कर रहे हैं। और कोरोना के काल में, संकट समय में, खून का जो कंपन जो है पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दिया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रहे, अपने देश के पंत प्रधान रहे, इन्होंने बार बार रक्तदान करने का अपील किया, और हम कोरोना काल में हमेशा से रक्तदान रहे, प्लाज्मा दान रहे, इसका शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर फिर से ये रक्तदान करने के लिए यहाँ पे जो युवा इकट्ठा हुए, मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।